पंकज, राजधानी की क्या स्थिति है, देहरादून में किस तरीके से तैयारियां हैं कोरोना से निपटने की? देखिए, नया साल है और नए साल पर सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं वो देहरादून और उत्तराखंड के लिए रुख करते हैं, और इस वक्त मैं देहरादून के मसूरी बस स्टॉप पर मौजूद हूँ। और मेरे पीछे देखेंगे तो एक बड़ी लाइन यहाँ लगी हुई है, जिनको मसूरी जाना है, तमाम लोगों को वो यहाँ से टिकट लेकर मसूरी की ओर रुख करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि कोविड का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है, कोविड के लिहाज से अगर देखा जाए तो ना तो जो बस स्टॉप है यहाँ पर उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई गार्ड या कोई यहाँ पर सुरक्षा जवान खड़ा किया गया है कि ताकि यहाँ आकर लोगों को बताए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क भी लगाएं। आप यात्रियों को भी देख रहे हैं, कुछ यात्री हैं जो पहले से ही घर से मास्क लगा के आए हैं, कुछ ऐसे यात्री हैं जो नहीं लगाए हैं, क्योंकि बहुत सामान्य स्थिति है यहाँ उत्तराखंड में। कोविड को लेकर बहुत अभी कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो एडवाइजरी जारी की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप पर्यटक स्थल पर जा रहे हैं, कहीं भी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप खड़े हैं, तो आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लोग मास्क नहीं लगाए हैं अभी पूरी तरह से, क्योंकि कोविड का अभी दूसरी लहर गई थी, उसके बाद पूरी तरह से लोगों को अंदर से जो डर था वो निकल गया था। और फिर से जैसे नया वेरिएंट आया है, उसके बाद से चीन जैसे देश में जो हालात बने हुए हैं वो हालात भारत में ना हो फिर से दोबारा, उसके लिए ही अलग अलग तरह से सब स्टेट द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि तमाम लोग प्रिपेयर हैं, पहले से ही लोग खुद मास्क लगा के आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा आए हैं। लेकिन यदि उन्हें मसूरी जाना है तो मसूरी में इस तरह की सारी व्यवस्थाएँ वहाँ की हुई हैं, हर चाक चौराहे पर हर जगह जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं, वो घूम रहे हैं और हर लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं। उसके साथ साथ ही मसूरी में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है कल, और इसके लिहाज से उन लोगों को ही एंट्री दी जाएगी जिनके पास होटल का पास होगा, होटल में जो बुकिंग की होगी उनको अंदर भेजा जाएगा। उसके अलावा तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपने हर जगह की बात सुनी, सतर्कता की बात सब कर रहे हैं, सतर्कता के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, जो स्थितियां अभी बन रही हैं, तो क्या माना जाए कि 40 दिन है उसमें हालात बिगड़ सकते हैं? अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या उसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है कि संभाल लेंगे? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल कि आप लोग की तरफ से जागरूक किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन सब कुछ जो है वो पब्लिक के ऊपर बहुत निर्भर करता है, वो कितनी जागरूक है। दूसरा, कोरोना के लिए अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर केसेस बढ़ते हैं तो क्या स्वास्थ्य महकमा इतना तैयार है, चाहे बेड्स की बात हो, वेंटिलेटर, ICU, बाकी चीज़ों को लेकर तैयारी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी दो दिन पहले 28 तारीख को जो है वो पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल किया गया, सारे जो हमारे चिकित्सालय हैं वहाँ पर, और ये जानने की कोशिश की गई कि हमारे जो कंसंट्रेटर्स हैं या वेंटिलेटर्स हैं, या जो है मरीज़ जब आता है अगर किसी आपात स्थिति में, तो उसको हम कितनी जल्दी एडमिट कर पाते हैं और उसका इलाज शुरू कर पाते हैं। तो एक मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल में ये देखा गया कि जो है हम पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो हमारे बेड्स हों, वेंटिलेटर्स हों या कंसंट्रेटर्स हों, और उनकी स्थिति को देखते हुए कि वो होम आइसोलेशन में रहने के योग्य हैं या उनको हॉस्पिटलाइज किए जाने की आवश्यकता है। तो पूरा प्रदेश जो है इस मामले में अलर्ट है, प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है और उन्होंने विधिवत दिशा निर्देश इस संबंध में जारी किए हैं। वैक्सीन की अगर बात करें सर, उसकी स्थिति क्या चल रही है अभी? देखिए, वैक्सीन के लिए आज तक जो है वो हमारे यहाँ जो है वो कोवैक्सीन लग रही है, और अतिरिक्त डिमांड के लिए प्रदेश स्तर को लिखा जा चुका है। बहुत जल्दी एक आध हफ्ते के अंदर ही, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अगर हम मान के चलें तो एक आध हफ्ते के अंदर ही अतिरिक्त वैक्सीन लखनऊ को प्राप्त होगी, और आज की तारीख तक हम 96 लाख डोजेज लगा चुके हैं। जो कोई भी प्रिकॉशन डोज से अगर वंचित लाभार्थी है तो उसको हम बहुत जल्दी ही मिशन मोड में वैक्सीनेट करेंगे, जैसे ही हमको वैक्सीन प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि चैलेंज स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन लोगों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।